पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं दरगाह निजामुद्दीन औलिया में मौजूद हूं, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे थे। वो सवाल ये था कि आखिरकार दरगाह में जब खुलेगी तो जो जायरीन होंगे, जब उनकी भीड़ उमड़ेगी तो उसे किस तरीके से रोकने में कामयाब रहेंगी निजामुद्दीन, दरगाह के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरीके से इसे रोक पाएंगे। कई सारी सरकार की गाइडलाइंस जारी की गई, तमाम चीज़ें लॉकडाउन से पहले की परिस्थिति और लॉकडाउन की परिस्थिति और लॉकडाउन के बाद की जो परिस्थिति है किस तरीके से बदली है, इसी पर हमसे बात करने के लिए काशिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो कि दरगाह के सेक्रेटरी भी हैं। अभी दरगाह की तरफ से एक प्रोग्राम बसंत को लेकर के लिखा गया था जो कि हो चुका है, इसमें किस तरीके से आप लोगों ने लोगों की जो हौसला अफजाई की है, एक बेहतरीन पहल थी, किस तरीके से आपने इसे अंजाम दिया है? देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही 800 साल से बसंत होती है और दरगाह पर होती है और कई जगह खानखाओं में भी होने लगी है, दरगाहों पे अजमेर शरीफ में भी होती है, सब जगह होने लगी है। अभी इस्लामिक सेंटर में भी युद्ध ने कराई थी युद्ध हज़रत निज़ामुद्दीन, तो सब जगह बसंत होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो चला आ रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन साहब भांजे थे, वो गुजर गए थे, तो गुजरने के बाद जब वो देखा कि मायूस हो गए अपने, जैसे खानखा में से आप हज़रत बाहर नहीं आते थे, तो उस चक्कर में हज़रत निज़ामुद्दीन जब उनके मुरीद देखे कि हज़रत हमारे बाहर नहीं आ रहा है, 6 महीने गुजर गए हज़रत रूम से कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, तो एक दिन जा गाते बजाते, जैसे खेती होती है, फसल होती है, सरसों होती है, तो लोग गाते बजाते जा रहे थे, जैसे कालका मंदिर की तरफ लोग जा रहे थे, तो उसका देखा हज़रत अमीर खुसरो साहब देखते रहे, तो वहाँ गाते बजाते लोग जा रहे थे, तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहने जी अपने गुरु को मनाने जा रहे हैं हम, तो इससे गुरु मान जाएंगे? कह रहे हाँ जी इससे गुरु मान जाएंगे। तो उस हिसाब में वही हुलिया हज़रत अमीर खुसरो ने बनाया, सरसों के फूल लगाए, वैसे ही येलो कपड़े पहने, गाते बजाते ढोलक डाली और गाते बजाते तो खानखा में पहुँचे। जब खानखा में आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ बजाया, खूब नाचे गाए फूलों का, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरवाज़ा खोला और मुस्कुराए जब 6 महीने बाद, तो जब से हमारे यहाँ ये बसंत मनाई जाती है, बसंत का त्यौहार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब देखा गया कि निज़ामुद्दीन के बारे में जिस तरीके से मीडिया में भी दुष्प्रचार चला, उसके बाद आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था यहाँ पर लोगों को सही तरीके से मैनेज करना? देखिए, 5.5 महीने दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन दरबार बंद रहा, उसके बाद जब दरबार खुला उधर से पूरा, क्योंकि एक इंट्री किसी की नहीं थी, एक आदमी की भी नहीं थी 5.5 महीने तक, तो कोई भी नहीं आता था। उसके बाद जब खुली आस्ता आस्ता गाइडलाइन, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई तो यहाँ पे सैनिटाइज भी किया गया और मास्क भी देखे गए, चेक भी किया गया, फीवर वगैरह भी सारे इंतज़ामिया देखे गए, उसी हिसाब से आदमियों का अलाव हुआ आना थोड़ा थोड़ा करके, आज उससे बढ़ा दिया, थोड़ा आदमी बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी अजमेर शरीफ का उर्स भी चल रहा है और यहाँ से ज़ायरीन पहले यहाँ पे ज़ारत करके जाता है, पहले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में, फिर अजमेर शरीफ जाता है, तो कुछ आदमी बढ़ा है, तो अभी फॉरेनर तो आए नहीं, बाहर से टूरिस्ट नहीं आ रहा, तो ये लोकल आदमी जो हिंदुस्तान का, यूपी वगैरह का, दिल्ली का है, वही आदमी थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि एक चैलेंज बहुत बड़ा था आप लोगों के लिए, क्योंकि मरकज़ का इंसिडेंट हुआ, मरकज़ के लिए दुष्प्रचार पूरे देश दुनिया ने देखा, लोगों का जो भीड़ आना और फिर ये कहा जाना कि निज़ामुद्दीन दरगाह का भी जोड़ने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा और यहाँ के लोगों में सबके सब पॉजिटिव बता दिए गए मीडिया में, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले की परिस्थिति और लॉकडाउन की परिस्थिति क्या थी और अब किस तरीके के हालात हैं? देखिए, यहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ है, इसको बदनाम किया गया, यहाँ कुछ एक भी पेशेंट नहीं निकला हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इलाके में, तो उसको बदनाम करने के बाद इसको बंद कर दिया गया रास्ता, आज मरकज़ भी बंद है, पेशेंट तो इसमें नहीं निकला है, सिर्फ इसको बदनाम किया गया है और रास्ते दरगाह के भी बंद कर दिए गए थे उस समय, 5.5-6 महीने बंद रहा है, वहाँ से मेन रोड से लगा दिए गए सिक्योरिटी वगैरह का कर दिया था कि दरगाह की तरफ भी आदमी नहीं जाए, तो इस हिसाब से SDM साहब से भी बात हुई, DM से भी हुई, तो ये थोड़ा खुलवाया गया रास्ता जब से लोग इधर आना शुरू कर दिया दरगाह पे, नहीं तो उधर कोई रास्ता अंदर आने का भी नहीं दे रहे थे उस समय में। क्योंकि सरकार का किस तरीके का रवैया था आप लोगों के साथ में, क्योंकि परमिशन उर्स के लिए भी नहीं दी जा रही थी, फिर उर्स धीरे धीरे उसे
पूरी तरीके से मुकम्मल भी किया गया। अब जहां भी देखा जा रहा है सरकार का रवैया बहुत दोहरे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने बरेली शरीफ में उर्स होना था उसके लिए इजाज़त नहीं दी गई, निज़ामुद्दीन औलिया में उर्स होना था उसके लिए इजाज़त नहीं दी गई, और यही अगर बात करें अजमेर शरीफ में उर्स होना था इजाज़त नहीं दी गई पर गाइडलाइंस जारी की गई कि आपको इस तरीके से मैनेज करना है। ये दोहरा रवैया किस तरीके से देखते हैं आप लोग? ये हमारे यहाँ दो उर्स हो चुके हैं एक साल के अंदर, एक तो ईद के बाद होता है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, एक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का। तो हमारे उर्स में कोई इजाज़त नहीं थी, सिर्फ 50-60 आदमी उर्स में थे, जो यहाँ के खादिम लोग हैं वो उर्स में शिरकत करें, जो रस्में हैं वो पूरी कराई गईं। जैसे ईद पे नमाज होती है तो इस पे भी बकरीद पे भी होती है, हज़ारों आदमी दरगाह पर आते हैं नमाज़ पढ़ने, वही 50 आदमी उन्होंने नमाज़ पढ़ी जिनकी इजाज़त थी। तो इससे ज़्यादा आदमी नहीं आए, जो दिल्ली जो हिंदुस्तान में गाइडलाइन है दिल्ली की गाइडलाइन है उस पर फॉलो किया गया है दरगाह कमेटी ने। दरगाह कमेटी ने फॉलो किया क्योंकि ये मैं लगातार देख रहा हूँ कि दरगाह को लेकर के ख़ासतौर पर सियासत तेज़ हो जाती है जब दरगाह का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में हम लगातार ये देख रहे हैं जिस तरीके से दरगाहों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, रामपुर में ऐसी कार्रवाई सामने आई और जब मौलाना तौकीर रज़ा खान और तमाम उलमाए करीम सामने आकर के उसे करने लगे तो गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को आप जो लगातार अब जाकर के इस नफरती सियासत में हो रहा है? नहीं, जब ये हमारा दरबार शरीफ खुला, नकवी साहब पहले फर्स्ट टाइम वही आए, नकवी साहब जब उनकी भी चेकिंग हुई यहाँ पर सारा चेक करके दरबार में गए, और भी कोई बहुत लीडर आए तो वो कहने लगे कि इंतज़ाम बहुत अच्छा है, मीडिया पूरी साथ थी, तो उन्होंने इंतज़ाम देखा, यहाँ पे रास्ते चलने के अलग थे और आने के और जाने के रास्ते बना दिए गए, दूर दूर पॉइंट लगा दिया गया इतनी दूर दूर लोग रहेंगे। तो दरगाह में पूरे इंतज़ाम के साथ दरबार खोला गया है, उसके बावजूद इसी तरह 4-5 महीने बिल्कुल सख्ती के साथ और मास्क के साथ और जितना भी सैनिटाइज हाथ वैसा हो मशीनें लगी हुई सब सब चेक करके दरबार में गए। और यूपी की बात रही, यूपी दरगाहों की जैसे कलियर शरीफ था, कलियर शरीफ में भी उर्स पे इजाज़त नहीं दी गई और कोरोना टेस्ट करा कर आओ फिर कलियर शरीफ जाओ, उसमें भी वहाँ भी लाखों आदमी जाता है कलियर साबिर पाक कलियर शरीफ लुड़की, तो वहाँ पर आदमियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, आपके बहुत लोग कम गए और जो मांग रहे थे पहले कोरोना टेस्ट करा कर आओ उसको बाद दिखाओ। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि जब लोग घरों में थे मदद के लिए भी यहाँ से लोग सामने आए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, किस तरीके का योगदान आप लोगों का था जो लोग खाने के लिए तरस रहे थे उस दौरान? देखिए हमारे यहाँ जो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के यूथ हैं, यूथ हज़रत निज़ामुद्दीन जितने भी नौजवान लड़के हैं उन्होंने रात दिन यहाँ काम किया और इफ्तार का टाइम इफ्तार पहुँचाया, सहरी के टाइम सहरी पहुँचाई, घर घर में जाके पहुँचाई है, किसी को कमी नहीं होने दी खाने की हज़रत निज़ामुद्दीन वालों ने। तो काशिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने लॉकडाउन से पहले की परिस्थिति और लॉकडाउन के दौरान किस तरीके के सिचुएशन जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई मीडिया के ज़रिए और अब किस तरीके के हालात हैं, ज़ायरीन लगातार आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।